हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 6 5G के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप करना है तो कैसे कर सकते हैं। कई बार आपको ज़रूरत रहती है सिक्योरिटी रीजन कारण आपको अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे आपका डाटा सेफ रहे, कोई लीक ना कर सके और आपकी बिना परमिशन के आपका फ़ोन कोई यूज भी ना कर सके। तो इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप करने के लिए सबसे पहले जाना होता है सेटिंग में। यहाँ से हम जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखो मिल जाता है पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखो मिल जाता है ऐड फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पैटर्न डाल रखा हो अपने फ़ोन के, या पैटर्न या पासवर्ड, वो आपको यहाँ से इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी फिंगरप्रिंट सेट करेंगे, इस पर अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे। यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फिंगरप्रिंट स्कैन हो रहा है। यहाँ से इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करेंगे। फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऐसे करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आप थोड़ा सा और सेटअप करेंगे। इसे सेटअप करने के बाद अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऐसे कर देंगे डन। यहाँ से डन करने के बाद आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट बन हमारा ऐड हो चुका है। सामने आपका डिलीट का ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। अगर आपको मल्टीपल फिंगरप्रिंट यूज करना है तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी फिंगरप्रिंट को दूसरी फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिंगरप्रिंट। नीचे आपको और ऑप्शन दो मिल जाता है एनिमेशन स्टाइल, यहाँ इस पर क्लिक करें। यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट के एनिमेशन मिल जाते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ से बहुत सारे मिल जाते हैं, जो भी आपको पसंद हो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जब अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ किस प्रकार का वो शो होगा एनिमेशन, वो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। स्क्रीन ऑफ अनलॉक, यहाँ से आप देख सकते हैं इसे ऑफ कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऑन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी फिंगरप्रिंट सेटअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड।